दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं और आप अपना पीएफ का बैलेंस चेकआउट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट चार तरीका बताऊंगा जहां से इजी वे में अपना पीएफ का बैलेंस चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पे दो तरीका बताऊंगा, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता और आपको पीएफ का बैलेंस चेकआउट करना होता है। तो लास्ट में जो दो तरीका बताऊंगा वहां पे किसी भी प्रकार से इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ता है, बिना इंटरनेट कनेक्शन का भी आप यहाँ पे पीएफ का बैलेंस चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए चारों तरीका को अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना है और इसी प्रकार से आपको संबंधित वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए सबसे पहला तरीका की बात कर लेता हूं। तो पहला तरीका में सिंपल से जो भी आपका मोबाइल फोन में कोई भी ब्राउजर होगा उसे आपको ओपन करना है, या फिर लैपटॉप कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा उसे आपको ओपन करना है। देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है, यहां पर आपको टाइप करना है ईपीएफओ पासबुक, देन आपको सर्च करना है। उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पर पहला वेबसाइट नजर आता होगा ईपीएफओ मेंबर पासबुक का, तो पहला ही वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लॉग इन पेज खुलकर आ जाता है। अब जो भी आपके पास यूएन नंबर होगा 12 डिजिट का वो यहाँ पर फिलअप कीजिए, देन जो भी आपका पासवर्ड होगा जो भी करके रखे होंगे पासवर्ड अपना यूएन का यहाँ पे फिलअप कीजिए। उसके बाद नीचे एक कैप्चा कोड मिलता है, सेम कैप्चा कोड यहाँ पे आपको फिलअप करना है, देन आपको साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जो भी आपका पीएफ अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा। तो जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को सबसे पहले यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाता है, आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ का पासवर्ड लॉग इन हो जाते हैं। अब जो भी आपका पीएफ का बैलेंस होता है वो यहीं पे आपके पास पीएफ का बैलेंस नजर आता होगा, ठीक है। या तो फिर अगर आप पेंशन का बैलेंस चेकआउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पासबुक वाला सेक्शन में जाना होगा, तो पासबुक पर एक बार आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पासबुक होता है वो यहाँ पे खुल जाता है, यहाँ पर मेंबर आईडी वगैरह आप सेलेक्ट कीजिएगा, देन आपको नीचे आना है और यहीं पे जो भी आपका पीएफ का पैसा होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है, देन यहाँ पे जो भी आपका पेंशन का पैसा होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे दूसरा तरीका की बात कर लेता हूँ। उसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन में उमंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। इसके लिए जो भी आपके मोबाइल फोन में प्ले स्टोर होगा उसे आपको ओपन करना है, देन यहाँ पे आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पे उमंग टाइप करके आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो उमंग एप्लीकेशन आ जाएगा। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आता होगा, तो इंस्टॉल पर क्लिक करके इसे आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो मेरे केस में यहाँ पे इंस्टॉल है, चलिए यहाँ पे मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ओपन पर क्लिक करेंगे तो फाइनली जो एप्लीकेशन होता है वो आपके मोबाइल फोन में यहाँ पे ओपन हो जाता है। जब फर्स्ट टाइम ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होता है, तो रजिस्टर करते समय आपको नाम डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर अगर आपको डालना होता है ओटीपी वगैरह वेरीफाई कीजिएगा तो फाइनली आपका रजिस्टर हो जाएगा, देन आपको सेम मोबाइल नंबर सबको लॉगिन कर लेना है। अब यही सब आप पीएफ का बैलेंस चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्विस पर आपको आना है और यहीं पे नीचे देखिए ईपीएफओ का एक ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं मिलता होगा तो ऊपर में देखिए व्यू ऑल सर्विस नजर आता होगा, तो इस पर एक बार आप क्लिक कीजिए। उसके बाद ईपीएफओ जो होता है ई से शुरू होता है तो आपको ई वाला सेक्शन में आना होगा, उसके लिए आपको नीचे आना है, ठीक है। नीचे जब आएगा तो यहाँ पर देखिए ईपीएफओ नजर आता होगा, इस पर क्लिक कीजिए। या फिर सिंपल से तरीका बता देता हूँ, यहाँ पर सर्च में नजर आता होगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है ईपीएफओ, देन आपको सर्च करना है। उसके नीचे आएगा तो यहाँ पर नजर ईपीएफओ, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए ईपीएफओ संबंधी काफी सारा काम किया जाता है जिसकी वजह से पे काफी सारा ऑप्शन यहाँ पर नजर आता होगा, लेकिन यहाँ पे बैलेंस आपको चेकआउट करना है। उसके लिए सबसे ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू पासबुक का, तो इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे यूएन नंबर आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। देन आपको गेट ओटीपी आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी यहाँ पे आपको फिलअप करना है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी आ चुका, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने ओटीपी फिलअप किया हूँ, देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे सबमिट पर क्लिक करता हूँ उसके बाद यहाँ पे मेंबर आईडी कंपनी का नाम नजर आता होगा, तो यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका बैलेंस होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपको पीएफ का बैलेंस चेकआउट करना था, तो यहीं पे देखिए इम्प्लॉय शेयर नजर आता होगा 1619 रुपया, इम्प्लॉय शेयर नजर आता होगा 495 रुपया, दोनों ऑप्शन को जोड़ दीजिएगा तो ये आपका पीएफ का बैलेंस हो जाएगा। साथ ही साथ पेंशन का पैसा चेकआउट करना है तो नीचे भी देख सकते हैं पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन नजर आता होगा, तो यहाँ पे 1124 रुपया है। तो कुछ इस प्रकार से आप उमंग एप्लीकेशन से भी आप अपना पीएफ और पेंशन का पैसा चेकआउट कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको दो तरीका बताया जहां पे आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ता है, लेकिन अब मैं आपको तीसरा तरीका बताने वाला हूँ जहां पे आपको किसी भी प्रकार से इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ता है। तीसरा तरीका में सिंपल से आपको मिस कॉल करना होता है, मिस कॉल दे करके भी आप अपना पीएफ का बैलेंस चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सिंपल से आपको डायलर पेड को आपको ओपन करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना, नंबर स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से नंबर नजर आता होगा, ठीक है। नंबर स्क्रीन पर देख लीजिए, सेम नंबर पर ही आपको कॉल करना है, मिस कॉल करना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कॉल का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे कॉल लग चुका है और यहाँ पर नजर तो ईपीएफओ इम्प्लॉय प्रोवाइडिंग फंड नजर आता होगा, ठीक है। एक बार रिंग होता है उसके बाद ऑटोमेटिक एक कट जाएगा, तो कट जाने दीजिए, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद आपके पास एक मैसेज आता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज आ चुका है, तुरंत मैसेज आता है, 10 से 15 सेकंड तक आपको वेट करना है, उसके बाद तुरंत का तुरंत आपका मैसेज आ जाएगा। मैसेज में सबसे पहले डियर मेंबर नजर आता होगा, उसके बाद जो भी मेरा यूएन नंबर, नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह और आधार नंबर का कुछ डिजिट नजर,
पैन कार्ड का कुछ डिजिट नंबर नजर आता होगा, बैंक अकाउंट डिटेल नजर आ जाता है, उसके बाद लास्ट कंट्रीब्यूशन यहाँ पर नजर आता होगा, टोटल बैलेंस कितना है वो भी यहाँ पे बताया गया। ठीक है, चलिए एक बार मैसेज को ओपन कर लेता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं साफ साफ नजर आता होगा टोटल बैलेंस 2114 रुपया है। तो यहाँ पे केवल आपका पीएफ का ही पैसा आपके पास शो होता होगा, और लास्ट में पैसा कितना बार जमा किया कंपनी और कितना जमा किया है वो यहाँ पर नजर आता होगा। 2114 रुपये टोटल बैलेंस यहाँ पे 2114 रुपये एक बार ही जमा हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पे 2114 रुपया एक बार का ही पैसा दिख रहा है, क्योंकि ये नया पासबुक है। ठीक है, तो तीसरा तरीका में आपको केवल मिस कॉल करना होता है। अब आपको चौथा तरीका बता रहा हूँ, जहां पर भी आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ता है। चौथा तरीका में सबसे पहले आपके पास जो भी आपका मोबाइल फोन में मैसेज सेंड और मैसेज देखने वाला जो एप्लीकेशन है उसे आपको ओपन करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ओपन किया हूँ, देन नीचे देखिए स्टार्ट चार्ट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबसे ऊपर में नंबर आपको टाइप करना होगा, कौन सा नंबर आपको टाइप करना है वो सबसे पहले समझ लीजिए। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे मैं नंबर टाइप कर रहा हूँ, सेम नंबर को यहाँ पर आपको टाइप करना है। ठीक है, नंबर स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं यहाँ पे जो नंबर में टाइप कर रहा हूँ सेम एज नंबर को आपको टाइप करना है। नंबर में किसी भी प्रकार से आपको गलती नहीं करना है, इस नंबर को आपको टाइप करना, देन इस पर एक बार क्लिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको आना, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बड़े अक्षरों में लिखना है। यहाँ पे देखिए EPFO इतना आपको लिखना है, उसके बाद आपको HO देना है, EPFO HO इतना आपको देना है। देन आपको यहाँ पे केवल UAN लिखना है, इतना ही आपको लिखना है। नंबर ऊपर में देख लीजिए मैसेज किस प्रकार से आपको टाइप करना है वो देख लीजिए। देन आपको सेंड पर क्लिक करना है, यहाँ पे SMS सेंड वाला ऑप्शन था, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना है। फाइनल फोन यहाँ पे देख सकते हैं मैंने करीबन 10 से 15 सेकंड मैंने वेट किया, उसके बाद ऊपर में देखिए एक मैसेज आया, तुरंत को तुरंत मैसेज आया है। चलिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं सेम डिटेल है। चलिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता होगा डियर मेंबर, जो भी मेरा डिटेल है वो यहाँ पर नजर आ जाता है, और मेरा सेम ही सेम पासबुक का मैं डिटेल दिखा रहा हूँ तो सेम इसी तरह से मैसेज आता है। तो सेम दोबारा से सेम एज उसी प्रकार से मैसेज आया है, टोटल बैलेंस यहाँ पर नजर आता होगा 2114 रुपये। ठीक है, तो कुछ यही चार तरीका है जहां से अपना पीएफ का पैसा या फिर पेंशन का पैसा चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अभी तक तरीका नहीं है। ठीक है, जो भी तरीका था वो मैंने आपको बता दिया। वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को आपको लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पे बैलेंस चेकआउट करते समय कोई भी प्रॉब्लम आता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी सोल्यूशन होगा मैं आपको कमेंट के जरिए बता दूंगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।